नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई गई है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी घरों से बाहर निकल आए लोग दहशत में, डर की वजह से। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए डर की वजह से, दहशत की वजह से। तो घाटी भूकंप के झटकों से कांप उठी। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं डर की वजह से, दहशत की वजह से। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रही 5.8। रिएक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर में आया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने, और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे दहशत की वजह से, डर की वजह से। तो दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर की धरती भूकंप के झटकों से कांप उठी। घाटी भूकंप के झटकों से कांप उठी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 5.8 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया। लोग डर गए, सहम गए। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसका केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था। तो राजधानी दिल्ली भूकंप के झटकों से कांप उठी। दिल्ली एनसीआर और घाटी मतलब जम्मू कश्मीर भी भूकंप के झटकों से कांपी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया है और जम्मू कश्मीर में लोग घरों से बाहर निकल आए दहशत की वजह से। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा। बात करेंगे जूडा की। भोपाल में जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर से बातचीत की थी। मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर। आज प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेकिन जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास सारंग से मुलाकात की, बातचीत हुई और हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। भोपाल से बड़ी खबर, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में बड़ा फैसला है। जूडा की स्ट्राइक के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। स्त्री रोग और प्रसूति रोग विभाग के पूर्व एचओडी को हटा दिया है। डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। डॉक्टर अरुणा कुमार को भेजा गया है चिकित्सा शिक्षा संचालनालय। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में इन पर गंभीर आरोप लगे थे। डॉक्टर सरस्वती के परिजन और जूनियर डॉक्टर ने आरोप लगाए थे। विभाग के फैकल्टी मेंबर्स ने भी आरोप लगाए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूनियर डॉक्टर मिले। मुलाकात के बाद यह आदेश जारी हुआ है। आश्वासन मिलने के बाद ही जूडा ने अपनी हड़ताल वापस ली। तो स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग की पूर्व एचओडी को हटा दिया गया है। डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। डॉक्टर अरुणा कुमार को भेजा गया है चिकित्सा शिक्षा संचालनालय। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ा फैसला हम कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से।
बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबह जिस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर थे वो 5 दिन से लगातार हड़ताल पर थे और यही उनकी सबसे प्रमुख मांग थी कि भले ही उनको एचओडी पद से हटा दिया गया था लेकिन वो चाहते थे गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर उनकी पोस्टिंग की जाए। और जिस तरीके से आज मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, बैठक के बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उसके कुछ घंटे बाद ही ये कार्रवाई देखने को मिली, जिसके क्योंकि सरकार की तरफ से एक आदेश जारी होता है और गायनेक डिपार्टमेंट की एचओडी जो रही है डॉक्टर अरुणा कुमार, उनको गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाकर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही एक आदेश और जारी किया गया है इसमें कि अब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2 साल से अधिक एचओडी लगातार नहीं रहेगा, उसकी पोस्टिंग बदल ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर, जो राहत की खबर है वो डॉक्टर्स के लिए, जो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था और इसी की वजह से डॉक्टर सरस्वती ने ये कदम उठाया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जिसको अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान लिया है। जी ठीक है सुरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देवास से बड़ी खबर, जहां राम मंदिर को लेकर निजी स्कूल के टीचर का विवादित बयान सामने आया। शिक्षक बोले हैं कि राम मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। छात्रों ने शिक्षक के सामने ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। मौके पर टीचर ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। छात्रों और हिंदू संगठन ने स्कूल में जमकर हंगामा कर दिया। स्कूल के डायरेक्टर ने माना है कि पढ़ाने का तरीका गलत है। 2 टीचर्स पर कार्रवाई हुई है इस मसले पर। किंग जॉर्ज हाई स्कूल क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे कल सुधांशु सर है हमारे SST के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपने ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है और ये पैसों को गरीबों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ, चर्च बनवाओ और चर्च के अंदर जाकर पढ़ाई करो। जिसको लेकर के एक संस्था के लोग वहाँ पर गए थे विरोध दर्ज कराने, अभी वो थाने पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। हम समस्त तथ्यों की जांच करा रहे हैं, जिस अगर यदि इसमें कोई अपराध घटित होना पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों का मैटर इन सब चीजों से अलग है। बाकी जो धर्म है वो तो इंसान पैदा हुआ था, धर्म तो उसके साथ ही लगकर पैदा हुआ है, तो वो तो उसका पालन तो करेगा। क्रिश्चियन विश्चन का कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म का कोई स्कूल नहीं होता। स्कूल है तो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो, इंसान बनने का ज्ञान दो। ये कौन सा तरीका? ये तरीका गलत। यानी आप किसी को राम बोलने पे, किसी को अल्लाह बोलने पे, किसी को चर्च जाने पे किसी को आप रोक नहीं सकते। सबको अपने धर्म का पालन करने दो पर एक अच्छा इंसान बनो। शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार इसका वीडियो बनाया है। मक्सी के थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। शाजापुर से बड़ी खबर, जहां एक्सीडेंट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। जबरदस्त ट्रक के पीछे चल रही कार सवार ने इसका वीडियो बना लिया। मक्सी के थाना क्षेत्र का मामला और ये जो वीडियो है अब काफी वायरल है सोशल मीडिया। नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ। बेकाबू कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। 1 SI और 1 ASI और 3 आरक्षक घायल हुए हैं। जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया है सभी को। टायर फटने से बेकाबू हुई थी कार। टायर फटा तो हाईवे की दूसरी ओर कार पहुंच गई। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी कार को। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कार का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। नरसिंहपुर से खबर, नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ। बेकाबू कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई है। 1 SI, 1 ASI और 3 आरक्षक इस घटना में घायल हुए हैं। जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया है सभी को। टायर फटने से कार बेकाबू हुई थी।
और टायर फटा तो हाईवे के दूसरी ओर कार पहुंच गई और सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। एक एसआई, एक एएसआई और तीन आरक्षक इस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उन्हें जबलपुर रेफर किया गया उपचार। वहीं भोपाल की जागरण लेक यूनिवर्सिटी में टाइगर की एंट्री हो गई है। जी हां, कोलार इलाके में टाइगर ने बाउंड्री वॉल कूद कर शिकार किया। छात्र और गार्ड की जान आफत में आ गई थी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जागरण यूनिवर्सिटी में टाइगर पहुंच गया था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में टाइगर कैद हुआ है। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पांडुका थाना क्षेत्र में देखा गया है तेंदुआ। सर्किट हाउस के बाद पांडुका में तेंदुआ देखा गया। कुत्ते का शिकार करते हुए तेंदुआ देखा गया है। ग्रामीणों में डर का माहौल है, प्रशासन अलर्ट है। पांडुका थाने के पास तेंदुआ देखा गया। वन विभाग को लोगों ने जानकारी दी है, तेंदुआ रिहायशी इलाके में अभी भी मौजूद है। यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं, दहशत में है। थाना परिसर और रेंज ऑफिस के बीच घूम रहा है तेंदुआ। गरियाबंद से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तेंदुआ को ट्रैप करने के लिए लगाया गया था कैमरा। गरियाबंद सर्किट हाउस के पास तेंदुआ दिखा है। डीएफओ मणिवासन ने कैमरा लगाने के निर्देश दिए थे। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की थी। तेंदुए की स्थिति जानने के लिए ट्रैप कैमरा लगाया गया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, इसके बाद कैमरा लगाया गया। रायपुर में मारपीट करने वाले युवकों का जुलूस निकाला है पुलिस ने। अस्पताल के सामने मारपीट करने वालों पर कार्रवाई हुई है। मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। साकेत अली, अरुण, जीतू साहू का जुलूस निकाला गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। मोथापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। धमतरी में आबकारी अमले की चार गांव में दबिश देखने को मिली। अवैध देसी शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 4000 किलो से ज्यादा महुआ लहान भी बरामद हुआ है। खेत, तालाब, गड्ढों में छुपा कर रखा गया था नशे का सामान। 28 लीटर देसी शराब जब्त हुई। चार आरोपी गिरफ्तार है। आरोपियों में से तीन के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई गई। वहीं इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन सीईओ लाखन सिंह राजपूत को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं उनकी अनुपातहीन संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आरोपी पर 12 साल पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। बड़वानी जिले की सेंधवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाखन सिंह राजपूत के खिलाफ 2011 में लोक आयुक्त को शिकायत मिली थी कि उसने भ्रष्टाचार पर अवैधानिक रूप से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। सिंगरौली नगर निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, इसकी वानगी बारिश की कुछ बूंदों नहीं दिखाती। जहां 30 लाख रुपए से बनने वाले नाली भरभराकर गिर गई। टीवी स्क्रीन पर देख सकता है कि किस तरीके से यहां निर्माण हुआ। सिंगरौली नगर निगम में भ्रष्टाचार की वानगी मात्र है। 30 लाख रुपए की लागत से 800 मीटर लंबी बनाई गई नाली भर भराकर गिर जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते नाली गुणवत्ताहीन बनी और जरा सी बारिश में गिर गई। खरगोन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के बहाने पाटीदार ने शक्ति प्रदर्शन किया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित हजारों कार्यकर्ताओं के जमावड़े ने कई राजनीतिक लोगों की नींद उड़ा दी। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कराए जा रहे सर्वे के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के उमड़े हुजूम को पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की ताकत बताई जा रही है।
जनता का प्रेम और आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है, और इस जनता के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने जो लोक कल्याण के और विकास के ऐसे अद्भुत काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज जनता के से गरीबी भाग गई है, समृद्धि आ गई है, और ये समृद्धि का ही उत्सव है। ये आयोजन बालकृष्ण जी पाटीदार जी के आह्वान पर हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मेरा भी आना हुआ, कई भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, और यह अवसर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। आने वाले कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव विकास के आधार पर होने वाला है। मेरे पीछे आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं। ये भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, निश्चित ही पूर्व कृषि मंत्री है बालकृष्ण पाटीदार, उनकी अगुवाई में ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और इस आयोजन को लेकर शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक आयोजन है भाजपा का बहुत महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। ये जनता को हम पर जो जनता का स्नेह है और जो आशीर्वाद दे रही है, उसके लिए हम जनता को धन्यवाद करेंगे। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों को, उसके कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे इसके माध्यम से, और जनता को लाभ पहुंचाएंगे। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, आगामी चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन क्या, शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, शक्ति तो अपने आप निहित होती है, तो वो तो अब जिसको जो जैसा शक्ति का ही कह सकते हैं। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ पहुंची है, क्या संदेश देना चाहिए? प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, शक्ति तो अपने आप सृजन की जाती है, और उस शक्ति, ये जनता में आज जो उत्साह है, उमंग है, इससे ये उत्सव से जनता में उत्साह का संचार होता है। पर नींद तो उड़ गई है लोगों की, विरोधियों की। हाँ तो विरोधी है वो, उनका तो उन्होंने वही नहीं कहा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जब वो कुछ किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या, वो चीज़ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो भीड़ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा है, निश्चित ही ये एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये एक बड़ा बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का एक बार फिर से अलग अंदाज दिखाई दिया। इस बार बीजेपी कार्यकर्ता मिलन समारोह में पूर्व मंत्री पाटीदार कार्यकर्ताओं के बीच घोड़े पर बैठकर पहुंचे। इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार ने कार्यकर्ताओं के बीच घोड़े को खूब नचाया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।